हेलो स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, आपने पहले इसका एक पार्ट पढ़ा भी था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये सेकंड पार्ट है हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, पॉलीमरेज जो है ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? वो एंजाइम जो कि हमारे पास जो जीन है उसको क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। और चेन रिएक्शन जो है वो हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि क्या करता है, सेम वही प्रोसेस उसमें होता है जिसमें वन जीन जो है वो क्लोन होता है टू में, टू जीन क्लोन्स होते हैं फोर में, 4 × 8, 8 × 16 एंड सो ऑन, और मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो हमारे पास जीन की बन जाती है। तो इसी तरह से फ्यू हंड्रेड रिएक्शन में हमारे पास बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है उस जीन की क्या हो जाती है, वो क्लोन हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसको हम सिंपल पीसीआर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं। क्यों इसको हम थर्मल साइक्लर बोलते हैं? यहाँ पे आपको जो है वो डायग्राम में एक मशीन जो है वो दिखाई दे रही है, और ये कौन सी मशीन है, ये पीसीआर मशीन है। ठीक है, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो है उसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक जीन की जो है इसके थ्रू हम क्लोनिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं, और थर्मल साइक्लर इसको हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हम जो है वो डिफरेंट साइकल्स में बार बार एक जीन को क्या करते हैं, वो क्लोन करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं, तो इसी वजह से हम इसको थर्मल साइक्लर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पीसीआर है ये हमारे पास ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एक सिंगल जीन या फ्यू जीन कॉपीज जो है जीन की उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्लोन कर सकते हैं, उसकी थाउजेंड और मिलियन कॉपीज जो है वो हम उस जीन की बना सकते हैं। ठीक है, सो जीन या डीएनए जो है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, तो डीएनए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, और सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स जो है ये किस चीज़ से बना होता है, ये डीएनए और हिस्टोन्स प्रोटीन से ये क्रोमोसोम्स हमारे पास बना होता है। ठीक है, तो डीएनए हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और डीएनए जो है इसी में हमारे पास क्या होते हैं, जीन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो किसी कैरेक्टर को फिनोटाइपिकली क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई जीन जो है वो चाहिए जिसको हम क्या करना चाहते हैं, क्लोन करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो हम यहीं से क्या करते हैं, वो डीएनए जो है वो उठाते हैं, यहीं से हम सेल उठाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आते हैं किसकी तरफ, इन्वेंशन की तरफ, के पीसीआर टेक्निक जो है वो किसने इन्वेंट की थी। तो पीसीआर टेक्निक इज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूरिस इन 1983। ठीक है, और उसको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में 1993 में। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर टेक्निक्स। तो जब हम पीसीआर टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, किसी जीन को एम्पलीफाई करते हैं, किसी जीन को क्लोन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। उसके बगैर हम पीसीआर टेक्निक जो है वो नहीं कर सकते, किसी जीन को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। तो कौन से कंपोनेंट्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें फर्स्ट वन होता है टेम्पलेट डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइपोस्पेट, सिंपल हम उसको डीएनटीपीज भी बोल सकते हैं, प्राइमर चाहिए, और टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये क्या होता है, ये हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है किस चीज में, एंड द पीसीआर टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, प्राइमर्स जो है वो हमें चाहिए, टू सेट ऑफ प्राइमर्स चाहिए, सही है, और टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है, यहाँ देख सकते हैं आप,
डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर्स, एंजाइम, और कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये हमें चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो भी चाहिए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनटीपीज हम बोलते हैं उसको। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन के टेम्पलेट डीएनए जो है ये क्या होता है। तो टेम्पलेट डीएनए, इसको हम टारगेट डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड टारगेट डीएनए क्या होता है कि इट इज अ पीस ऑफ डीएनए टू बी क्लोन। वो पीस ऑफ डीएनए जिसको हम क्या करना चाहते हैं, क्लोन करना चाहते हैं, तो उस पीस ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, टेम्पलेट डीएनए है, ठीक है। वो डीएनए, वो पीस ऑफ डीएनए जिसको हम क्या करना चाहते हैं, क्लोन करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो टेम्पलेट डीएनए है जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं, तो ये यूजफुल जीन भी हो सकता है। जैसे आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि हमें जो है वो यूजफुल जीन चाहिए होते हैं। जैसे आपने इंसुलिन का स्टडी किया था, ठीक है, कि इंसुलिन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है, तो हम उसके लिए जीन्स लेते हैं ह्यूमन से और उसको हम क्लोन करते हैं ताकि वो हमारे लिए क्या करें, वो हमारे लिए ग्रेटर अमाउंट में इंसुलिन की प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो ये जीन जो है, ये टारगेट डीएनए, ये यूजफुल जीन भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीन है, उसको हमने पीसीआर के थ्रू क्या किया है, एम्पलीफाई कर दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक जीन से काफी मल्टीपल कॉपीज जो है उसकी क्या की है, वो क्लोन कर दी है। तो ये जीन हमारे पास यूजफुल जीन भी हो सकता है, और ये जीन जो है ये हमारे पास इन्फेक्शियस जीन या इन्फेक्शियस डीएनए जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी पर्सन को जो है वो इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से जो है उसका हम ब्लड लेते हैं, ठीक है। और ब्लड में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है और उसमें वायरस है, ठीक है, और उसमें जो है वो वायरल डीएनए होगा, तो वो डीएनए जो है वहाँ पे वो क्या होता है कि अमाउंट में वो कम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसका ब्लड लेते हैं उस पर्सन का, उसमें वायरल डीएनए है, और वायरल डीएनए को हम क्या करते हैं कि पीसीआर के थ्रू उसकी हम बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं, ताकि हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये वायरस जो है किस टाइप का वायरस है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह का इन्फेक्शन काज करता है। तो उसी के मुताबिक हम क्या करते हैं, फिर उस पेशेंट की जो है वो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो टारगेट डीएनए है जिसको हम क्लोन करते हैं, ये यूजफुल डीएनए भी हो सकता है, यूजफुल जीन भी हो सकता है, और ये हमारे पास इन्फेक्शियस जीन जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वन जो कंपोनेंट है वो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन सैंपल डीएनटीपीस। तो ये क्या होते हैं, दीज आर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे पीसीआर टेक्निक में हमें फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनटीपीज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस के लिए, और वो जो है डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीडीटीपी, ये डिफरेंट टाइप्स के, फोर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हमें इस प्रोसेस में चाहिए, ताकि ये हमारे लिए डीएनए की सिंथेसिस करें। थर्ड वन जो कंपोनेंट है वो प्राइमर है, और प्राइमर क्या होता है कि ये शॉर्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, और ये 20 न्यूक्लियोटाइड जो है ये लॉन्ग होता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि एक हमारे पास क्या है, टेम्पलेट डीएनए है, ठीक है, 5' से 3' एंड तक ये टेम्पलेट डीएनए है। इसको हम क्या करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसने, इसको हमने क्या करना है, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो है वो इनिशिएशन कौन करेगा, वो प्राइमर करेगा, ठीक है। प्राइमर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, 20 तक। तो ये जो है ये यहाँ पर आकर क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो तब हमारे पास जो डीएनए है इसकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये प्राइमर जो है, ये टू सेट ऑफ प्राइमर्स क्या होते हैं, वो यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास अगर
डीएनए जो है वो चूंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो पहले वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा और वही सिंगल सिंगल स्ट्रैंड से हमारे पास टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगी। तो इस वजह से हमें टू सेट ऑफ प्राइमर्स क्या है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक फॉरवर्ड प्राइमर हमें चाहिए और दूसरा जो है वो हमें बैकवर्ड प्राइमर चाहिए होता है। तो जो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है, ठीक है, तो 5 प्राइम एंड पे कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है डीएनए के वो आकर बाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर होंगे। और सेकंड जो है उसके अपोजिट स्ट्रैंड पे जो है वो नेक्स्ट नीचे वाले स्ट्रैंड पे P5 प्राइम पे, यानी उसके अपोजिट साइड पे क्या होंगे, उसके तरह से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो है वो आकर बाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स प्राइमर, ठीक है। फोर्थ वन जो कंपोनेंट है वो है टेक पॉलीमरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेक जो है, टेक का क्या मतलब है, तो टी स्टैंड फॉर थर्मस एंड ए क्यू स्टैंड फॉर एक्वाटिकस, और एज यू नो पॉलीमरीज क्या है, ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। तो ये टेक डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या होता है, ये एक टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि कहाँ से हम उसको लेते हैं, वो हम लेते हैं थर्मस एक्वाटिकस से, ठीक है। ये आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज टेक डीएनए, ठीक है, टेक डीएनए पॉलीमरेज ये हमें मिलता है कहाँ से, ये थर्मस एक्वाटिकस से हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स थर्मस एक्वाटिकस क्या है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, इवन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये डीएनए की सिंथेसिस को क्या करता है, उसको कैटलाइज करता है, उसको स्पीड अप करता है। तो स्टूडेंट्स यही जो बैक्टीरिया है इससे हम क्या लेते हैं, वही टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हम यही बैक्टीरिया से गेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर रिएक्शन, ठीक है। तो पीसीआर साइकिल जो होता है उसमें बेसिकली हमारे पास बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप इज प्राइमर एनीलिंग एंड द थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन आर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम वन बाय वन इसको स्टडी कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है डीनेचुरेशन। तो स्टूडेंट व्हाट इज डीनेचुरेशन, सो डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कम्प्लीटली डीनेचर हो जाती है, और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सेपरेट होके हमारे पास सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो जाती है, वो बन जाती है। तो टेम्परेचर यहाँ पे हमारा बहुत हाई होता है, वो हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और टाइमिंग जो है इसके लिए हमारे पास वो मोस्टली जो है 1 से लेकर 5 मिनट तक क्या होती है, वो हमारी टाइमिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है। सो एज यू कैन सी ये हमारे पास क्या है, ये टारगेट डीएनए है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डीनेचुरेशन ऑन टेम्परेचर 95 डिग्री पे, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एंड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज द प्राइमर एनीलिंग। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एनीलिंग वर्ड जो है ये पहले किस चीज में यूज होता था, मेटल इंडस्ट्री में यूज होता था, जिसमें मेटल को पहले बहुत हाई टेम्परेचर से मेल्ट किया जाता, फिर वो टेम्परेचर लो करके जो है लो किया जाता, कूल कर दिया जाता इसको, ताकि जो मेटल के अंदर से जो वहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या किए जाते, वो उससे रिमूव कर दिए जाते, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइमर एनीलिंग, ठीक है, कि इस स्टेप में क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसके साथ यहाँ पे आकर क्या करेंगे, प्राइमर जो है वो आकर बाइंड करेंगे। तो इस स्टेप में हमें टू सेट ऑफ प्राइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा होता है बैकवर्ड प्राइमर जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेचर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइमिंग जो है वो हमारी क्या होगी,
टू मिनट्स होगी। सो एज यू कैन सी हेयर इन द वीडियो, ये क्या है, ये हमारे पास प्राइमर्स हैं और ये जो है डीनेचुरेशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो है प्राइमर्स क्या करेंगे, यहाँ पे आकर बाइंड करेंगे। किस साइड पे बाइंड करेंगे, उस साइड पे बाइंड करेंगे जिसको हम क्या करना चाहते हैं, जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड के साथ भी जो है फॉरवर्ड प्राइमर आकर बाइंड कर चुका है और एक दूसरे स्ट्रैंड के साथ भी हमारे पास जो रिवर्स प्राइमर है वो आकर क्या कर गए हैं, वो आकर बाइंड कर गए हैं। ठीक है, अब थर्ड वन जो हमारा प्रोसेस है वो है एक्सटेंशन आर पॉलीमराइजेशन। अब इस स्टेप में क्या होता है कि इस स्टेप में जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, वो न्यू जो हमारे पास जो फ्री न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होते हैं ये उनको लेकर आएगा और यहीं पर जो है ये सिंगल स्ट्रैंड के साथ उसको बाइंड करेगा और हमारे पास उसको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, एन टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और टेम्परेचर यहाँ पे हम फिर से इंक्रीज करेंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके लिए भी टाइमिंग क्या होगी, वो भी 1 मिनट होगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या है कि फ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और ये जो है एक्सटेंशन में हमारे पास जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो उन्हीं फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को लेता है और उसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करता है, उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या फिर पॉलीमराइजेशन स्टेप। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसको ओवरऑल ये जो रिएक्शन है मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम जो सिंगल जीन है उसकी क्या करेंगे, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो हमें सैंपल मतलब जिसकी डीएनए या जिसकी जो टारगेट डीएनए है वो क्लोन करना चाहते हैं वो चाहिए होगा और पीसीआर मशीन जो है वो हमें चाहिए होगी। ठीक है, दिस इज अ पीसीआर टेक्निक, पीसीआर मशीन जिसको हम थर्मल साइक्लर जो है वो भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहीं पर ये उसके जो पीसीआर ट्यूब्स हैं ये होते हैं, इसमें हम जो टारगेट डीएनए है वो डालेंगे, प्राइमर डालेंगे, न्यूक्लियोटाइड डालेंगे और पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हम लेके इस ट्यूब में क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे और इस ट्यूब को हम रख लेंगे ये पीसीआर मशीन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीसीआर मशीन क्या करता है, यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास जो डीएनए है जो टारगेट डीएनए है उसमें क्या होगी, उसमें जो टारगेट डीएनए है वो हमारे पास साइकिल वन में क्या हो जाएगी, पहले डी नेचर हो जाएगी 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और डी नेचर में क्या होगा कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड प्रोसेस हमारे पास होगी एनीलिंग। ठीक है, और एनीलिंग में टेम्परेचर होगा 55 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो स्टूडेंट्स एनीलिंग प्रोसेस में प्राइमर जो है वो आकर बाइंड करेंगे दोनों अपोजिट साइड्स पे और फिर होगा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में फिर हम टेम्परेचर हाई करेंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करेंगे कि वही प्री न्यूक्लियोटाइड को यूज करते हैं और हमारे पास जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करते हैं, उसको बना देते हैं। दोबारा से सेकेंड साइकिल फिर स्टार्ट होगी, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होंगे डीनेचुरेशन। ठीक है, फिर एनीलिंग होगी, प्राइमर जाकर बाइंड करेंगे, फिर एक्सटेंशन होगी, उसी तरह से वही एंजाइम्स क्या करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर आएंगे अपने सीक्वेंस पे उसको बाइंड करेंगे और हमारे पास डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड बनती जाएगी। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं फर्स्ट साइकिल में हमारे पास 2 डीएनए बने थे, सेकंड साइकिल में हमारे पास 4 डीएनए बन गए थे, अब ये थर्ड साइकिल है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डीएनए है इसकी कॉपीज क्या होती जाएंगी, वो इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो हमें जीन चाहिए होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होता है, उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की कितनी ज़्यादा उसकी कॉपीज जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, और कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इसी पीसीआर ट्यूब्स में, सही है। तो यहाँ पे आप देख लें टाइम के साथ साथ कितनी कॉपीज जो है वो इसकी बन रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 4 आवर्स अगर हम ले लें, ठीक है, तो 4 आवर्स में जो है यहाँ आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा कॉपी जो है वो एक सिंगल जीन की क्या हो जाती है, वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, ये जो ट्यूब्स होते हैं उसमें। और यही ट्यूब जो है फिर वो हम क्या करते हैं, उसी ट्यूब को जो है वो हम उठाते हैं पीसीआर से, और फिर जो है वो हम देख सकते हैं फाइनली उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है एप्लीकेशंस ऑफ द पीसीआर, के पीसीआर जो है ये कौन कौन से चीज़ों में क्या होता है, ये यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है पीसीआर यानी उस यूज़ होता है फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल में, कि जहाँ पे कोई क्राइम होता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से अगर हमें कोई बायोलॉजिकल सैंपल मिलता है, ठीक है, यानी वो उसका हेयर भी हो सकता है, नेल भी हो सकता है, ठीक है, वो उसका जो है वो कोई सीमिन जो है वो भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है उसका डीएनए जो है स्टूडेंट्स वो होता है, ठीक है। तो हम उस डीएनए को लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि उस डीएनए को हम पीसीआर मशीन के थ्रू उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी पे कोई डाउट होता है, किसी पर्सन पे, ठीक है, कि ये जो है इसने ये क्राइम किया होगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं उसका भी डीएनए लेते हैं, ठीक है, और उसको भी इसी तरह से क्या करते हैं कि हम उसको भी क्लोन कर देते हैं। तो अगर दोनों का डीएनए मैच करता है तो इट मींस के हमारे पास क्रिमिनल जो है वो वही पर्सन है जिसका डीएनए उस बायोलॉजिकल सैंपल के साथ मैच करता है, जो हमें कहाँ से मिला है, जो हमें क्राइम सीन से मिला है। तो स्टूडेंट इसी तरह से सेकंड हम किसी कोई एंशियंट डीएनए सैंपल भी ले सकते हैं, ठीक है, उसका उससे डीएनए ले सकते हैं, और वो डीएनए हम क्लोन कर सकते हैं पीसीआर मशीन के थ्रू, और वो भी हमें बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्या करता है उस डीएनए की देता है, और उससे हमें जो एंशियंट लाइफ है उसके बारे में क्या होता है वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, ठीक है, कि किस तरह से एंशियंट ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए हमने स्टडी किया। तो सेकंड हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ द पैथोजेंस, के किस तरह से हम पैथोजेंस की डिटेक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स के अगर हमारे पास क्या है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, किसी होस्ट पे वायरस का अटैक है, ठीक है, और वो क्या करता है कि उसका ब्लड जो है वो क्या करेगा, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कब होती है, अप टू 2 वीक्स में जो है उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट का ब्लड लेते हैं और ये चेक करते हैं कि उसका ब्लड जो है उसमें एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें इतना काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है, और होस्ट जो है उसमें वो वायरल इन्फेक्शन क्या होती है वो काज हो जाती है, वो वायरस अपना इन्फेक्शन वहाँ पे काज कर देता है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि हम क्या करते हैं कि उस वायरस का जो है उस पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसमें हमें वायरस जो है वो दिखाई देता है, तो वो वायरस का डीएनए हम देते हैं उसको पीसीआर टेक्निक के थ्रू, उसकी बहुत मल्टीपल कॉपीज जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है, और जब वो बन जाती है तो तब हमें पता चलता है कि किस टाइप का वायरस है, कौन सा इन्फेक्शन है। तो फिर हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स के उसकी जो है वो हम डायग्नोसिस जो है ट्रीटमेंट वो हम स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड वन स्टूडेंट हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज है। तो अगर हमें जेनेटिक डिजीज को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी वो पेशेंट जिसका हमने फाइंड आउट करना है तो उसका हम डीएनए सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उस डीएनए को हम क्या करते हैं उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं पीसीआर में। अगर उसका डीएनए जो है वो इंडिविजुअल डिजीज इंडिविजुअल के साथ मैच करता है तो इट मींस के उसमें क्या होगा कि उसमें हमारे पास जो है वो डिजीज क्या है उसके चांसेस हैं, उसमें वो डिजीज जो है वो हो सकती है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट क्या है कि हम जो है अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसी पर्सन को जो है वो HIV है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम जो है वो उठाते हैं उसका ब्लड, कि अगर हमें उस पर डाउट है कि उसको HIV है तो हम उसका ब्लड जो है वो उठाते हैं, ठीक है। उसमें हमें वायरस जो है वो मिलेगा, लेकिन उसका DNA मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो बहुत कम होगा। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो है उस DNA का PCR के थ्रू मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिए, तो सेम PCR क्या करेगा कि वही जो सिंगल DNA है हमारे पास वायरस का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगी डीनेचुरेशन। एक सिंगल स्ट्रैंड DNA जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, डबल स्ट्रैंडेड DNA कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में, ठीक है। और फिर क्या होगा कि प्राइमर्स जो है वो आकर दोनों DNA के साथ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर बाइंड करेंगे दोनों साइड पे, एक फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा जो है वो रिवर्स प्राइमर क्या करेंगे, वो आकर इधर स्टूडेंट्स बाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो बाइंड हो गए, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो कौन सा है, वो एक्सटेंशन स्टेप है, ठीक है। तो एक्सटेंशन स्टेप में क्या होगा कि टेम्परेचर जो है अब दोबारा यहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आकर बाइंड करेंगे इस रीजन पे, ठीक है। और जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये टेक पॉलीमरेज उसको लेकर आएगा, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के साथ इसको ऐसे ही बाइंड करेगा, और हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, डबल स्ट्रैंडेड DNA में, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमारे पास एक DNA से क्या बन गए हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ओल्ड DNA था, ठीक है, ओरिजिनल DNA, तो वो भी डबल स्ट्रैंडेड बन गया, और एक जो है वो न्यू DNA है, तो वो भी डबल स्ट्रैंडेड न्यू DNA हमारे पास बन चुका है, ठीक है। फिर से दोबारा डीनेचुरेशन स्टेप होगी, सेम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर जो है उसी तरह से क्या होगा कि एनीलिंग प्रोसेस होगी, प्राइमर जाकर बाइंड करेंगे, ठीक है। फिर से जो है वो एक्सटेंशन का प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स, और हमारे पास दोबारा से वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, डबल स्ट्रैंडेड DNA में। तो एज यू कैन सी हमारे पास कितने DNA जो है वो क्या हो गए हैं, वो प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही है, सिंपल के सिंगल जीन था, ठीक है, उसकी जो है वो कॉपी बन गई है, टू कॉपीज जो है सिंगल जीन की वो बन गई है PCR में, टू कॉपीज जो है उसकी दोबारा से हमारे पास कितनी कॉपीज बन गई है स्टूडेंट्स, फोर कॉपीज जो है वो बन जाती है, ठीक है। और सेम ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, सही है, और अ फ्यू आवर्स में हमारे पास बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो किसकी बन जाती है, बिलियंस ऑफ कॉपीज हमारे पास बन जाती है टारगेट DNA की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2.4 आवर्स में जो है वो हमारे पास कितनी कॉपीज बन गई है स्टूडेंट्स, बिलियंस ऑफ कॉपीज। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि PCR के थ्रू क्या होता है, PCR के थ्रू जो है वो हमारे पास एक सिंगल जीन से मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है उस जीन की बन जाती है 2 to 3 आवर्स में या 4 आवर्स में।